अगर बैठेंगे तो हम यहाँ से चार बीमारी लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? सारा है कभी भी ऐसा फ्रेश नहीं होता। आज आप आए तो ये फ्रेश है, ऐसे फ्रेश नहीं होगा। ये क्या ईसीजी मशीन का क्या है यहाँ पे? ईसीजी मशीन आ गया है और सामने जो है ना लगा हुआ लेकिन चालू नहीं है। 6 वेंटिलेटर जी, नहीं तो इसको आप भी अपनी तरफ से गंभीरता से लिख के देंगे और ये लिखिए, बोलिए कि अब कोरोना काल फिर से शुरू है, कैसे बढ़ रहे हैं, कल को भगवान ने कोई प्रकार जरूरत पड़ेगी। आप भी लिख के दीजिए, हम भी सरकार से हम भी बात करेंगे, हम भी स्वास्थ्य। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई कोरोना का मरीज आता है तो उसको कैसे आइसोलेट किया जाता है? तो उसके आइसोलेट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गार्ड को रख दिया है। जो गार्ड जो है ना, मतलब के ये क्राउड कंट्रोल करेगा। पेशेंट को यहाँ लाया जाएगा, लाने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर उसको डेडिकेटेड सेंटर है उसमें भेज देंगे। डेडिकेटेड सेंटर कहाँ पे? DCSC बना हुआ है सर हमारा, ऑक्सीजन पाइप टाइम सप्लाई है, ठीक है, प्लांट भी ऑपरेटिव है। कितने बेड की व्यवस्था है? लगभग 87 है, यहाँ पे DCSC और इंदौर में हमारे 300 CCC है और 30 DCSC। और बाकी जितनी टेस्टिंग के लिए जो किट्स वगैरह की जरूरत है, रैपिड एंटीजन RT-PCR ये कमियां निरंतरता में बनी हुई है। शायद ही कोई ऐसी दिशा की बैठक होगी जिसमें मैंने इन मुद्दों को ना उठाया हो, और हर उस दिशा की बैठक के बाद ना से मैंने स्थानीय प्रशासन से बल्कि लिखित तौर पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने उन कमियों का निरंतरता में मैंने जिक्र किया। पर बार बार जो मैं बोलता हूँ, शायद मैं दोबारा दोहराऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं हर बात पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के पीछे पड़ा रहता हूँ, बट आप बताइए अगर मैं उनसे आग्रह नहीं करूँ तो मैं किससे करूँ? स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। जो संघीय ढांचा है भारत का, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें जहाँ कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, कुछ राज्य सरकार के पास होता है। उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो राज्य सरकार का विषय है। स्वास्थ्य की बात करें, वो राज्य सरकार का विषय है। इसमें चाह के भी मैं सांसद केंद्र सरकार से मैं इनकी बस मदद करवा सकता हूँ। जैसे पिछले लॉकडाउन में हम लोगों को समस्या समझ में आई कि भैया ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर PM केयर के द्वारा हम लोगों ने लगवाने का काम किया। वेंटिलेटर नहीं थे यहाँ पे, वेंटिलेटर की दिक्कत थी, वो वेंटिलेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध करवाने का हम लोगों ने काम किया। 6-6 वेंटिलेटर यहाँ पर पिछले साल भर से आके जंग खा रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप लोग पूछेंगे कि भैया सांसद तो आप हैं तो आपने क्या कर लिया नहीं कर लिया, पर हकीकत है ये बात हम सबको समझना ज़रूरी है कि एक सांसद की भी अपनी सीमाएँ हैं। मैं चाह कर भी इसमें आगे कुछ नहीं कर सकता। ये करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की है राज्य सरकार के। मैं वेंटिलेटर्स ला के दे सकता हूँ, बट उसको चलाने के लिए जो टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, जो एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, वो राज्य सरकार आपको उपलब्ध करा कर देगी। पर राज्य सरकार पिछले साल भर से आँख मूंद कर इस पर बैठी हुई है। निरंतरता में अनेकों पत्र, और आप लोग चाहेंगे तो मैं तमाम पत्र की प्रतिलिपि आपसे साझा करूंगा। अनेकों बार मैंने पत्र लिखे दिशा की बैठक में, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगवा के देखिए, हर बार मैंने इस विषय को उठाने का मैंने काम किया। यहाँ पर DM साहब को इन तमाम चीज़ों का मुआयना करें, देखें कि क्यों डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे उपकरण यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से अभी मैं बातचीत करूंगा, फ़ोन पर भी मैं उनको सारी जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी यहाँ की जितनी समस्या है मैं उसकी जानकारी निरंतरता में उनको देता आया हूँ, पुनः एक बार मैं दूंगा। पर अब मैं इसमें आप सबका भी मैं साथ चाहूँगा कि आप सब जिला प्रशासन के पास जाकर दबाव बनाए। मैंने अपने पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स को भी इस पे लगाया है कि रोज़ की डेली मॉनिटरिंग करके, क्योंकि यहाँ पे CS साहब ने मुझसे वादा किया है कि अगले 10-12 दिनों में सारी स्थिति ये नियंत्रित कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड की मशीन काम करने लगेगी, डॉक्टर्स का जो रोस्टर इन्होंने तैयार किया है सुनिश्चित करवाएंगे कि डॉक्टर्स यहाँ पर आएँ। आने वाले कुछ समय तक मैं अपनी पार्टी के वॉलंटियर्स के माध्यम से भी डे टू डे बेसिस पर ये रिपोर्ट लेता रहूँगा। बट हाँ,
ये चिंता का विषय पूरे प्रदेश का है। और ये बात मैं बोल दूं कि ये जमुई जिले की बात नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा पे मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूँ और हाल फिलहाल में ही तमाम ऐसे अस्पतालों में जहाँ पे मैं गया हूँ, ये पूरे प्रदेश की का ये विषय। और यही कारण है कि मोतियाबिंद जैसे छोटे ऑपरेशन के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के अस्पतालों पर, बिहार के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते। वो सीधा दिल्ली जाते हैं अपना मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने, और हाथ कंगन को आरसी क्या वो क्यों जाते हैं ये प्रमाणित भी हो गया, क्योंकि ठीक उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो कुछ लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था उसमें से तमाम उन लोगों की आंख निकालनी पड़ी, इस तरीके से ऑपरेशन किया गया। बाईं आंख में ऑपरेशन करना था तो दाईं आंख में कर दिया गया, और जिस आंख में किया उस आंख का ऑपरेशन इतना खराब कि आपको वो आंख निकालनी पड़ी, नतीजन दोनों आंखों की रोशनी सादगी की चली गई। और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लगभग एक दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया। तो ये तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं लिखित रूप में ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को भी मैं दूंगा, पर मैं समझ रहा हूँ कि संघीय ढांचे में ये अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से राज्य सरकार का आता है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। मैं स्थानीय विधायक हूँ, उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो भी इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेकर और विधानसभा में इस विषय को उठाने का काम करें, मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन तमाम बातों को उनके समक्ष रखने का काम करें। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर